तो मित्रों 4K 60fps में फ्रंट में रिकॉर्डिंग, बैक में 108 मेगापिक्सल के साथ वॉयस के साथ 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा, 25,000 के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा, ऊपर से कोप डिस्प्ले एंड 256GB का जो है UFS 3.1 के साथ स्टोरेज, हाँ बिल्कुल वो भी 25,000 के अंदर। तो गाइस बिल्कुल सही पकड़े हो, ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है इन्फिनिक्स 035G के ऊपर। एंड इस तरह का जो काम है ना, ये एक्चुअली में इन्फिनिक्स ही कर सकता है। आईकू जो आया था IQ Z7 Pro, पर यहाँ पे उसी का कॉम्पिटिटर कह सकते हो, उसी का मतलब एकदम तगड़ा कॉम्पिटिटर जो है, ओपोनेंट है। तो 2 सितंबर को जो है वो मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और ये जो है ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहने वाला है। तो इसी के बारे में इन्फिनिक्स 035G के बारे में विस्तार में इस वीडियो में बात करेंगे। भाई क्या ये वाला स्मार्टफोन जो है ये गेमर्स को टारगेट करता है, या फिर कैमरा लवर्स को टारगेट करता है, या फिर किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करता है, और 25,000 का जो बजट है क्या ये स्मार्टफोन जस्टिफाई करता है, इसका जो स्पेसिफिकेशन वो जस्टिफाई करता है या फिर नहीं करता, इस सब के बारे में विस्तार में बात करेंगे। और एक चीज जो है ना, क्या आपको वेट करना चाहिए इस वाले स्मार्टफोन के लिए या फिर नहीं, तो भाई एक वीडियो में ना इतने सारे टॉपिक्स कवर होने वाला है। तो गाइस आई सजेस्ट यू इस वीडियो में टिके रहो, और भाई टिके रहने से पहले थोड़ा बहुत लाइक भी कर दीजिएगा, उससे मेरे को ना मतलब एनर्जी सब मिल जाता है गाइस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी, मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव, और अपने परंपरा आरटी को फॉलो करते हुए सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो बैक में आपको यहाँ पे दो तरह के देखने को मिल जाएगा, एक देखने को मिल जाएगा ग्लास बैक, और एक देखने को मिल जाएगा वीगन लेदर। वीगन लेदर क्या, वो रबरिश लेदर टाइप का फिनिश होता है, जो कि एक्चुअली में भाई थोड़ा अमीरों वाला फील देता है, वो वाला बैग देखने को मिल जाएगा। फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का फ्रेमिंग देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में जो है वो कोप 3D कोप टाइप का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका अगर प्रोटेक्शन का बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 5 है। जो भी हो गाइस, आई सजेस्ट यू प्रोटेक्शन डेफिनेटली यूज करना फोन में, और अब जहाँ पे सोच रहे हो वहाँ पे भी। 7.9mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है, तो जो डिवाइस है वो काफी ज्यादा मतलब स्लिम टाइप का देखने को मिल जाता है, पर उतना ज्यादा हल्का नहीं होगा भाई। ये डिवाइस जो है थोड़ा हेवियर साइड में रहने वाला है, ग्लास बैक है, और यहाँ पे जो है बैटरी भी आपको बड़ा बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो भाई इन्फिनिक्स 035G का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसे ग्रीन टिक दे सकते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे आपको 6.78 इंच का एक 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 144Hz का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है 950 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। HDR10 का सपोर्ट है। 360Hz का जो है वो आपका टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है ये डिस्प्ले 10-bit डिस्प्ले है, तो काफी बढ़िया है। यहाँ पे कंटेंट कंजम्पशन जो है काफी मस्त रहने वाला है, एकदम कह सकते हैं इस सेगमेंट का टॉप अप लाइन हम लोग कह सकते हैं। तो बस इन्फिनिक्स 035G का यहाँ पे जो है डिस्प्ले में भी हम लोग ग्रीन टिक दे सकते हैं, ये डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है। अभी बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 8020 देखने को मिल जाता है। 8050 जो है वो इन्फिनिक्स का वो गेमिंग वाला डिवाइस में आया था। ये वाला जो प्रोसेसर है ये एक्चुअली में 6nm के फैब्रिकेशन के ऊपर बना है, एंड इसे भी भाई फैब्रिकेट किया है TSMC के द्वारा, TSMC ने बनाया है, तो हीट जनरेट सही रहेगा, उतना भी मतलब बुरा नहीं रहेगा। इस वाले प्रोसेसर पे अगर कोर्स के बारे में बात करते हैं, तो 4 कोर रहेगा कॉर्टेक्स A78 का, जहाँ पे आपको पीक क्लॉक स्पीड 2.6 GHz का देखने को मिल जाएगा। 4 कोर देखने को मिल जाएगा कॉर्टेक्स A55 का। एंड यहाँ पे अगर GPU का बात करते हैं, तो यहाँ पे मैरी G77 MC9 का GPU देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बजट को जस्टिफाई करता है भाई। प्रोसेसर भी जो है बजट को जस्टिफाई करता है। बाकी अगर स्टोरेज एंड मतलब रैम क्वालिटी का बात करते हैं, तो रैम क्वालिटी यहाँ पे एज यूजुअल नॉर्मली LPDDR4X देखने को मिलता है, पर जो स्टोरेज टाइप है वो आपको UFS 3.1 देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया बात है भाई यहाँ पे, क्योंकि 25,000 के अंदर UFS 3.1 मतलब आप 4K में जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो या फिर डेटा ट्रांसफर करते हो, वो काफी तेज होने लगा है। नॉर्मली जितने भी सारे डिवाइसेस आते हैं वो UFS 2.2 देता है, पर ये उनसे एक स्टेप आगे है, ये मेरे को काफी बढ़िया लगा। एंड यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर का बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे अराउंड कुछ ऐसा मतलब एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, XOS देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली फीचर रिच मतलब वो ऐसे। पर इसके साथ दिक्कत क्या है, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू भाई यहाँ पे अपडेट नहीं करना है, क्योंकि गाइस इस सेगमेंट में मतलब इस बजट में इन्फिनिक्स स्टाइल इन्फिनिक्स कह लीजिए या फिर आईकू कह लीजिए, इस तरह के स्मार्टफोन के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप इसे अपडेट करते हो, तो अपडेट के साथ का क्वालिटी कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत डिग्रेड होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपके ऊपर। तो गाइस अगर प्रोसेसर का बात करते हैं, मतलब चिपसेट का बात करते हैं, SoC का बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली ग्रीन टिक दे सकते हैं। एंड यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का बात है, यहाँ पे मैं ग्रीन टिक दे नहीं सकता, क्योंकि XOS जो है ना मेरे को पर्सनली उतना खास पसंद है नहीं। तो यहाँ पे एकदम रेड टिक भी नहीं है, उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो है ब्लोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिक्स का खुद का देखने को मिलेगा, कोई थर्ड पार्टी ब्लोट्स नहीं देखने को मिलेगा। हॉट ऐप, हॉट गेम्स वाला ना दिमाग का क्या क्या आता है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है
सॉफ्टवेयर स्क्रीन जो है वो डिसेंट है। अभी बात करते हैं कैमरे के बारे में। भाई ये बताने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। यहाँ पे आपको बैक में 108 मेगापिक्सल का एक 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एंड OIS के साथ बैक कैमरा देखने को मिलता है एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है इस बजट में। भाई अभी के टाइम पे इस बजट में तो लोग एक ही सेंसर दे देता है काम का, वो भी कितना काम का रहता है बाद में पता नहीं है। भाई जैसे कि आप iQOO Z7 Pro को देख लो, वहाँ पे तो आपको एक ही सेंसर देखने को मिलता है, बाकी अल्ट्रा वाइड वाइड सब कुछ भूल गए हैं। मोटोरोला को देख लो, मोटोरोला G84 को, वहाँ पे भी यही सेम प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे वो सेम प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आपको जो है इस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ 120 डिग्री मतलब फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाएगा। 2 मेगापिक्सल का एक तुच्छा सा AI कैमरा देखने को मिलेगा। बैक में आप 4K 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड जो है फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि वंस अगेन सैमसंग का सेंसर है। एंड यहाँ पे आप 4K में 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। OIS फ्रंट में नहीं है, EIS है, पर इसके साथ एक चीज क्या है, जो AI एल्गोरिदम है ये इसका फोटोज एंड वीडियोस को और भी बढ़िया करता है, तो ये काफी बढ़िया बात है। तो मतलब कैमरे के बारे में अगर बोलते हैं तो यहाँ पर ग्रीन टिक है, और मतलब जो लोग व्लॉग बनाते हैं या फिर फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करते हो मेरे जैसा, उन लोगों के लिए ये वाला जो कैमरा है मतलब डिवाइस है रिकमेंडेड है भाई। एंड एडिटिंग के लिए भी अगर कहते हैं तो इसका जो प्रोसेसर है ये काफी बढ़िया तरीके से संभाल लेगा। अभी बात करते हैं इसके जो है बैटरी के बारे में। तो बैटरी इस बार भाई यहाँ पे 5000mAh दिया गया है, ज्यादा स्लिम करने के चक्कर में 4000-4500 के नीचे ऐसा कुछ नहीं किया गया है, तो ये काफी बढ़िया पॉइंट है। 68 वॉट का फास्ट चार्जर, 30 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगा, तो मतलब चार्ज में डाल के आप आधा घंटा का एक घूमेंगे काम बन जाएगा आपका, बहुत लेट टाइम ऐसा कुछ नहीं लेता है। 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, एमोलेड डिस्प्ले है, ऊपर से भाई इतना फास्ट चार्जर है, ऊपर से 5000mAh का बैटरी है, तो ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव पॉइंट है। अभी बात कर रहे थे बाकी चीजों के बारे में, तो भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, ये मेरे को एक कमी लगा, जो है इन डिस्प्ले रहता तो बढ़िया रहता, पर ये दिक्कत नहीं है, बस टाइम के साथ साथ अपग्रेड होना होता है भाई। एंड यहाँ पे 3.5mm जो जैक होता है, ऑडियो जैक होता है, वो मिसिंग है भाई, ज्यादा ही मॉडर्न बनते जा रहे हैं ये ब्रांड्स है जो भी हो। वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डुअल स्टेरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, ट्यून बाय DTS हाईरिस ऑडियो, तो मतलब सब कुछ काफी बेहतर रहने वाला है, स्टेरियो स्पीकर रहने वाला है, डिस्प्ले काफी बढ़िया है, कंटेंट कंजम्पशन काफी सही रहेगा। गेमिंग अगर करना चाहते हो तो 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है 2.6 GHz के साथ, गेमिंग भी मतलब एक लिमिटेड ग्राफिक्स में काफी बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, 5000mAh का बैटरी भी है। तो गाइस स्पेसिफिकेशन के बारे में बात खत्म करते हुए यहाँ पे इस डिवाइस का मतलब यहाँ पे प्राइस का बात करते हैं, तो प्राइस यहाँ पे आप लोग 256GB वाला जो है वो आपको 25,000 के नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर प्राइस कुछ नहीं आया, अपना एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके ऐसा बता सकता हूँ कि ये डिवाइस जो है 2499 में आएगा, ऑफर लगा के 1-2000 कम हो सकता है, तो ऐसा ही कुछ प्राइस रहेगा 256GB वाला। UFS 3.1 256GB मतलब उस हिसाब से काफी बेहतर है। अभी बात कर लेते कंक्लूजन के बारे में, ये वाला जो डिवाइस है, ये वाला डिवाइस एक्चुअली किन लोगों के लिए, कैमरा लवर्स के लिए, गेमिंग लवर्स के लिए या फिर किन लोगों के लिए? तो भाई ये डिवाइस जो है ना मेनली रिकमेंडेड है जो लोग कंटेंट क्रिएटर हो, फ्रंट कैमरे से 4K 60fps में रिकॉर्ड होता है भाई, काफी बढ़िया कैमरा यूज किया गया है, रेजोल्यूशन मस्त मिलेगा, बैक में भी काफी सही है, OIS है, तो कंटेंट क्रिएटर के लिए इस वाले फोन को हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं 25,000 के अंदर। और भाई एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये वाला डिवाइस जो है ना ये ऑलराउंडर है, कहीं पर भी मेरे को ऐसा मतलब क्रॉस देने का मौका ही नहीं मिला, हर जगह पे हरा टिक देना ही पड़ा, ग्रीन सिग्नल देना ही पड़ा, तो ये वाला जो डिवाइस है मेरे को लगता है ऑलराउंडर टाइप का डिवाइस है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। हाँ थोड़ा सा ब्रांडिंग के लिए इशू हो जाता है इन्फिनिक्स का, पर भाई मेरे हिसाब से जो है ना स्पेसिफिकेशन बेहतर मिले तो भाई यहाँ पे ब्रांडिंग में उतना ज्यादा देखा नहीं जाता। एंड सर्विस सेंटर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सर्विस सेंटर है इंडिया में, मतलब हर जगह में आपको मिले जाएगा, फिर भी आप अपने एरिया में चेक कर लीजिएगा। तो बस भाई आज का वीडियो यही तक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा घंटा भी बजा दीजिएगा, और जिन लोगों को भाई कंटेंट क्रिएटर से या फिर 20-25,000 के अंदर फोन लेना है उन लोगों को ये वीडियो भाई मुंह पर फेंक के मारो ना। धन्यवाद।